जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। तो अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने गजवत उल हिंद के चीफ हामिद ललहारी को ढेर कर दिया है। हामिद ललहारी समेत 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि आतंकी पुलवामा और शोपिया में लोगों की हत्याओं में शामिल थे। इस ग्रुप के मारे जाने से घाटी में आतंक का सफाया होगा। तो आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि घाटी में हथियार उठाने पर सिर्फ मौत मिलेगी। तो साफ चेतावनी डीजीपी दिलबाग सिंह देते यहां पर नजर आए। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी जो है वो देखने को मिली है। अंसार गजवत उल हिंद का टॉप कमांडर हामिद मारा गया है। अवंतीपुरा में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से दी गई है। तो घाटी में हथियार उठाने पर सिर्फ मौत की सजा मिलेगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं आतंकियों को साफ चेतावनी देते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह नजर आए। तो आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार जो है वो बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो आपको बता दें कि डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि घाटी में जो हालात है वो सामान्य हो रहे हैं। तो अवंतीपुरा में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। तो घाटी में हथियार उठाने वालों को सजाए मौत मिलेगी, सिर्फ मौत मिलेगी डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से। तो साथ ही उन्होंने इस कामयाबी के साथ ही जानकारी भी दी कि अब घाटी में जो हालात है वो सामान्य हो रहे हैं। तो साथ ही वो घाटी के नौजवानों से ये अपील भी करते नजर आए कि गलत रास्ता वो छोड़े। तो गलत रास्ता छोड़कर वो प्रदेश के आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो घाटी में हथियार उठाने पर सिर्फ मौत मिलेगी, ये कहते हुए दिलबाग सिंह साफ लहजे में, एक सख्त लहजे में कड़ा जवाब जो है वो उनकी तरफ से दिया गया है। तो सुरक्षा बलों को अवंतीपुरा में बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। 3 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल की है। तराल में हुआ, राजपुरा गांव में तराल में, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए। शुरू में इतला थी कि एक लोकल तो पहचान लिया था, दूसरे 2 पाकिस्तानी या फॉरेन टेररिस्ट होने की इतला थी, मगर देर रात को बाकी 2 की भी पहचान हो गई। ये 3 के 3 लोकल मिलिटेंट हैं और 3 के 3 ही अंसार गजवत उल हिंद के साथ वाबस्ता हैं। जब जाकर मूसा मारा गया था, उसके बाद इस ग्रुप की कमांड जो है वो हमीद ललिहारी को दी गई थी। हमीद ललिहारी तब से लेकर के इस ग्रुप को चला रहा था कि ये जो मिलिटेंट मारे गए हैं ये बहुत सारी मिलिटेंट रिलेटेड कार्रवाइयों में शामिल थे।